यही वो कोठी है। इसी कोठी को लेकर के पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। कोठी के अंदर ही पति ने अपनी पत्नी की हत्या की और उसके बाद कोठी के अंदर ही स्टोर रूम में जाकर छिप गया। पुलिस लगातार महिला की तलाश में जुटी हुई थी क्योंकि महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके परिवार वालों ने लिखा दिया था। नोएडा में सुप्रीम कोर्ट की महिला वकील की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने बताया है कि महिला वकील के पति पूर्व आईएएस अधिकारी ने 4.50 करोड़ रुपए का घर बेचने के लिए हत्या को अंजाम दिया था। पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर ही सनसनीखेज वारदात का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हत्या के बाद आरोपी पति घर के स्टोर रूम में छिप गया था, जिसे पुलिस ने देर रात करीब 3 बजे दरवाजा तोड़कर गिरफ्तार कर लिया। रविवार थाना सेक्टर 20 पुलिस को मृतका के भाई ने सूचना दी थी कि सेक्टर 30 के D40 में रहने वाली 61 वर्षीय रेनू सिन्हा पिछले 2 दिनों से फोन नहीं उठा रही, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका के भाई और बहन की मौजूदगी में घर का ताला तोड़ा तो देखा महिला अधिवक्ता का शव बाथरूम में पड़ा हुआ था। कान से खून निकल रहा था और चेहरे पर भी कुछ हल्के चोट के निशान थे। मृतका के भाई ने अपने जीजा नितिन सिन्हा पर हत्या की आशंका जताई। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका के पति का फोन बंद होने के कारण पुलिस उसे ट्रेस नहीं कर पा रही थी। आखिरी लोकेशन घर का दिखाई दे रहा था। रात तक पुलिस मृतका के परिजनों के सामने घर पर ही छानबीन करती रही। पुलिस ने घर के सभी दरवाजे और ताले को तोड़कर जांच किया। इसी कड़ी में देर रात करीब 3 बजे छत पर बने स्टोर रूम का ताला तोड़ा तो महिला का पति अंदर ही बैठा मिला, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पति नितिन सिन्हा 1988 बैच का IRS अधिकारी है। हालांकि नौकरी के कुछ साल बाद ही नितिन ने VRS ले लिया था। परिवार के पास प्रॉपर्टी काफी थे, ऐसे में नितिन प्रॉपर्टी की देखरेख में जुट गया। वो जिस मकान में रह रहे थे वो नितिन के माता पिता के नाम था, जो कि नितिन और मृतिका रेनू के नाम ट्रांसफर हो गया था। दोनों के बच्चे विदेश में रहते थे। ऐसे में बिल्डिंग पुरानी होने की वजह से नितिन कोठी मकान को बेचना चाह रहा था, जिसका सौदा उसने 4.50 करोड़ में किया था और उसके लिए उसने एक पार्टी से लगभग 55 लाख रुपए बयाना भी ले लिया था। लेकिन मृतक महिला इस सौदे का विरोध कर रही थी, इसीलिए उसके पति ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस की माने तो आरोपी ने रविवार को घर को देखने के लिए डीलर को बुलाया। पत्नी इस बात का विरोध कर रही थी, दोनों के बीच तूतूमैमैं हो गई। इसी दौरान पति ने महिला के साथ हाथापाई शुरू की और नितिन ने पत्नी का गला दबाने की कोशिश की। रेनू बाथरूम में गिर गई। बताया जा रहा है कि रेनू सिन्हा को कैंसर, बोन कैंसर के साथ और भी दिक्कत थी, जिस कारण गिरने से महिला के नाक और कान से खून निकल गया। थोड़ी देर में रेनू की मौत हो गई। नोएडा में सुप्रीम कोर्ट की एक वकील का उसके पति ने घर के अंदर ही कत्ल कर दिया। इस वक्त हम मौजूद हैं सेक्टर 30 D40 के सामने। यही वो कोठी है। इसी कोठी को लेकर के पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। कोठी के अंदर ही पति ने अपनी पत्नी की हत्या की और उसके बाद कोठी के अंदर ही स्टोर रूम में जाकर छिप गया। पुलिस लगातार महिला की तलाश में जुटी हुई थी क्योंकि महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके परिवार वालों ने लिखा दिया था। उन्होंने कहा था कि उनका फोन नहीं मिल रहा, वो फोन उठाया नहीं जा उठ रहा, लगातार घंटी बज रही है। इसके बाद पुलिस ने लोकेशंस निकालनी, तलाशनी शुरू की। तो जब पुलिस की टीम इस कोठी पर पहुंचती है तो कोठी अंदर से बंद थी, जिसके बाद परिवार वालों की मौजूदगी में पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और अंदर जब पहुंची तो 61 साल की महिला रेनू की बॉडी अंदर मिली। इसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की, आसपास के CCTV फुटेज खंगालने शुरू किए। तो यहाँ देखिए चौंकाने वाली बात, जिस जगह से पुलिस ने बॉडी बरामद की यानी इस कोठी D40 से, यहाँ पर पुलिस ने पूरी तरीके से छानबीन नहीं की, क्योंकि 10 घंटे बाद इसी कोठी के अंदर से आरोपी नितिन को पुलिस ने पकड़ा, वो भी तब जब पुलिस ने आसपास के तमाम CCTV फुटेज खंगाल लिए। लेकिन जब उन्हें ये लगा कि नितिन बाहर नहीं गया है, आसपास पुलिस ने खंगाला, नितिन का कोई सुराग नहीं मिला, तो उसके बाद पुलिस की टीम बॉडी मिलने के 10 घंटे के बाद वापस इस कोठी पे आती है और उसके बाद स्टोर रूम से नितिन को गिरफ्तार करती है। इस पूरे मामले में पुलिस की जो कार्रवाई है उस पे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जो मोटिव निकल के आया है उसके मुताबिक पति नितिन इस कोठी को बेचना चाहता था, लेकिन रेनू तैयार नहीं थी और दोनों के बीच इसी वजह से विवाद हुआ था। कैमरामैन अंकित खंडेलवाल के साथ हिमांशु मिश्रा।